हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर होमोफोन्स। होमोफोन्स बच्चों वो शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द जो एक ही तरह से बोले जाते हैं, और उनका मीनिंग के साथ यहाँ पर हम कुछ होमोफोन्स पढ़ेंगे। जैसे कि एल, ये एडजेक्टिव की तरह इसका मतलब होता है बी इल, यानी जब कोई फिजिकली सफर करता है किसी बीमारी से उसको बोलते हैं। और एल, ALEL, ये नाउन के जैसे जब यूज होता है इसका मतलब होता है ये एल्कोहलिक ड्रिंक होता है। बेल, BELL, बेल ये नाउन, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और बेली, BELLE, ये गर्ल को बोलते हैं या किसी अरिस्टोक्रेट वुमेन को बोलते हैं। डेज, DAZE, डेज सरप्राइज को। और DAYS, डेज, ये एक जो डे का प्लूरल वर्ड भी है। इसके अलावा फेंट, FAINT, फेंट, इसका मतलब है अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना जिसको बोलते हैं। और FEINT, फेंट का मतलब है अनकॉन्शियस। गेट, GAIT, गेट होता है स्टेप। और GATE, गेट का मतलब है एंट्रेंस। लोन, LON, लोन मतलब लैंड, उधार लेना। LONE, लोन मतलब अकेला। बीन, BEEN, बीन मतलब बी का पास्ट पार्टिसिपल होता है। और BEAN, बीन, ये एक तरह का खाने की सब्जी होती है। कैनवास, CANVAS, कैनवास होता है जो पेंटिंग जिस पर की जाती है। और कैनवास, CANVAS, ये होता है कंपेन। एट, EIGHT, एट एक नंबर है। और ATE, एक ईट का पास्ट फॉर्म होता है। FAIR, फेयर, एडजेक्टिव है रीजनेबल। और FAIR, फेयर मतलब प्राइस भी होता है। हर्ड, HERD, हर्ड मतलब हियर का पास्ट टेंस। और हर्ड, HERD, हर्ड मतलब होता है फ्लॉक ऑफ एनिमल। मेन, MAIN, मेन मतलब प्राइमरी। एंड MANE, मेन मतलब बाल। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और होमोफोन्स लिखे हैं जो बोलने में जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई बच्चों कुछ एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि द स्पेलिंग ऑफ वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जिनमें से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो उस वर्ड को अंडरलाइन करना है और उसको दिए गए जगह में लिखना है। जैसे कि द डियर कैन जंप लॉन्ग, तो डियर की स्पेलिंग यहाँ पर DEAR लिखी है जबकि क्या होगी DEER। इसी तरह से आई हैव टेकन, सेकेंड सेंटेंस हम पढ़ते हैं, आई हैव टेकन टू डोसेस ऑफ मेडिसिन, तो डोसेस की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। टू की स्पेलिंग TOO लिखी है, इसको अंडरलाइन करेंगे और क्या लिखेंगे TWO2। द पेशेंट वॉज इन ए स्टेट ऑफ कोमा, तो कोमा को अंडरलाइन करेंगे और स्पेलिंग होगी COMA। आई डिफर फ्रॉम यू ON दिस पॉइंट, तो डिफर की स्पेलिंग DIFFER होगी। सब टीवी हैज कम अप विद ए न्यू चिल्ड्रंस सीरियल, सीरियल की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, SERIAL लिखेंगे। सेवेंथ सेंटेंस पढ़ते हैं, द ओल्ड मैन डाइड ए मिजरेबल डेथ, में डाइड का अंडरलाइन करेंगे और DIED होगा डाइड का स्पेलिंग। आई वॉज द लोन विटनेस टू दैट ट्रेजिक एक्सीडेंट, में लोन को अंडरलाइन करेंगे और LONE, लोन इसका स्पेलिंग होगा मतलब अकेला। अब हम इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें सेंटेंस को रीड करना है और उसके सामने ब्रैकेट में दिए गए दो वर्ड में से एक को सर्कल करना है। जैसे आई सॉ ए बी ऑन द फ्लोर, तो BEE आएगा यहाँ पर। द विंड ब्लू द लीव, BLEW ब्लू आएगा। आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, में SEEN सीन। डू यू लाइक टू ईट बीट्स, BEETS, बीट्स जो बीट रूट होता है। इट विल बी ए फेयर डॉग टूडे, FAIR। ही विल प्ले द रोल इन द सेकेंड प्ले, ROLE रोल। इट वुड बी नाइस टू हैव पीस इन द वर्ल्ड, PEACE, पीस मतलब शांति। वट डिड यू बाय एट द स्टोर, BUY, बाय। तो इस तरह से बच्चों हम होमोफोन्स को पढ़ेंगे और इनको जितना ज्यादा हम वर्ड्स को पढ़कर उनको दिमाग में रखेंगे और उनका डिफरेंस समझेंगे बीच का, उतनी हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी। थैंक यू।